तो बंद करो लोगों को परेशान करना, और सारे जितने भी काले कानून हैं किसान के खिलाफ प्लीज़ बंद कर दीजिए यार। आप इतनी बुरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती भाई, क्या करूँ। आप हमारे पीएम हो मोदी जी, बर्दाश्त नहीं हो रही हमारे को। सो गाइस, आप लोगों ने देखा मुस्कुराते हुए मोदी जी को पिटते हुए दिखते हुए यार बहुत बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी कितना भी मार खाएंगे लेकिन उनकी मुस्कान नहीं जाने वाली है। अगर मेरे को हंसी आ रही है, मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरे में पीछे टपली टपली दे रही पगली जूते से चप्पल से यार, सही में मतलब देख दिख के मतलब मुस्कुराते हुए चेहरे पीछे चट चट पड़ रहा है यार, सही में बहुत बहुत खतरनाक बेइज्जती यार, आज तक नहीं देखा मैं। सो कंटिन्यू द वीडियो, अभी दूसरा वीडियो आगे देखो क्या है। टेररिज्म का उपाधि दे दी, यानी पुतले पे लिख के फेस ऑफ टेररिज्म की, और साथ ही साथ में हिटलर से कंपैरिजन करने लगे। यानी क्या यार, मतलब वाकई में सोचना पड़ेगा। यानी मोदी जी बिना कुछ बोले बिना कुछ किए इतना कांड कर दे रहे हैं, मतलब सामने सामने कुछ नहीं करवा रहे, सब कानून के दायरे में रह के सारा कांड करवा रहे और कानून के दायरे में रह के ही सारा अपना काम निपटा ले रहे हैं, जिससे सामने फ्रंट में कुछ नहीं आ रहा है लेकिन पब्लिक के ऊपर उसका असर और पब्लिक को ज़रूर जाहिर हो रही है लेकिन पब्लिक जाहिर नहीं कर सकती। तो इसीलिए अभी शायद से उन लोगों ने पुतले को फेस ऑफ टेररिज्म यानी टेररिस्ट का एक चेहरा दिखा दिया मोदी जी को। यार मेरे लिए सही में बहुत बड़ी दुख की बात है यार, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को यार फेस ऑफ टेररिज्म का उपाधि देना यार मानना पड़ेगा। Fuck, they're throwing shit at the coppers, look at that! Look at that, they're throwing shit at the coppers! Get him! Whoa! कहने का मतलब ये था यार, मुझे ऐसा लगता है यार फ्यूचर दिख रहा है कि मतलब आगे चल के जो भाई पुलिस होगी आर्मी होगी, जाहिर सी बात है उनको कानून कायदे में रह के पूरा कार्यक्रम करना पड़ता है ना। तो मुझे लगता है आगे चल के मेरे ख्याल से अगर इसी तरीके से काम होता रहा और इसी तरीके से हमारे देश की अगर अर्थव्यवस्था और देश के कानून कायदे मतलब सब इसी तरह चलते रहेगा ना, मतलब जो भी आज कार्यक्रम चल रहा है हर एक पब्लिक जानती है कि आज की हालत क्या, अगर इसी तरह हालात अगर बने थे तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, हालात पैदा हो सकते हैं, इसीलिए हालात ख़राब ना हो इसीलिए हर एक जनता से निवेदन है और सरकारी कर्मचारी से और सरकार से भी निवेदन है कि भाई प्लीज़ मेहरबानी करके जनता की दुख तकलीफ को समझें और उन्हें कोऑपरेट करें और अब ज़्यादा तंग ना करें। अमेरिका की सड़कों पर भी उतर आए हैं, लेकिन इस वक्त अगर
आपको ये खबर गलती से मन किया कि किसी न्यूज चैनल पर आपको ये खबर देखनी होगी, तो ये संभव नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि गोदी मीडिया चैनल्स के बड़े बड़े एंकर फिलहाल मोदी जी की तारीफ में शब्द बोलने वालों की तलाश कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका में वो इस वक्त तलाश में जुटे हुए हैं। गोदी मीडिया पूरी तरह से चैनल्स पर मोदी जी की तारीफ करने पर तुला हुआ है, ताकि ये जो खबर अभी हम आपको बता रहे हैं ये आप तक पहुंच ना पाए। लेकिन कोई बात नहीं है, हम आपको इस वक्त अमेरिका में पूरा जो हाल है, इस वक्त क्या चल रहा है, वो पूरा हाल बताएंगे आपको। इसी के साथ स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे लोग व्हाइट हाउस के बाहर मोदी जी के विरोध में पोस्टर लेकर खड़े हैं। ये तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर, जिस पोस्टर को एक भारतीय अमेरिकी लेकर खड़ा है, जिसमें आपको हिटलर की तस्वीर नजर आ रही होगी, साथ ही नीचे कमल यानी भाजपा का चिन्ह नजर आ रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह, और ऊपर लिखा हुआ है स्टॉप हिंदुत्व फेसिज्म। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों आप, अमेरिका में भी मोदी जी का हिंदुत्ववादी एजेंडा कुचला जा रहा है, कोई उसकी इज्जत नहीं कर रहा है। फिर ये तस्वीर देखिए, पोस्टर पर मोदी जी और हिटलर का चेहरा बना हुआ है और लिखा है हिटलर एंड मोदी टू बॉडीज वन सोल। फिर ये तस्वीर देखिए, लोग कतारों में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं। मतलब मोदी जी और गोदी मीडिया बिल्कुल सही कहता है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ है आज तक। हालांकि मोदी जी फ्लाइट में बैठे, फोटो खिंचवाई, अमेरिका गए, लोगों से हाथ मिलाया, ये तो इतिहास में मोदी जी कई बार कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने अपना इतिहास खुद अपने कारनामों की वजह से बदल दिया है, गढ़ दिया है, नया इतिहास रच दिया है, क्योंकि इससे पहले ना तो किसी देश के राष्ट्रपति ने मोदी जी को गले लगाने से मना किया था जैसे बाइडेन ने किया, ना किसी देश के उपराष्ट्रपति ने इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को लोकतंत्र पर लेक्चर सुनाया था जैसे कमला हैरिस ने किया, और ना ही कभी इतिहास में भारत के किसी प्रधानमंत्री का इस तरह से पूरे अमेरिका भर में विरोध हुआ है, जिसमें मोदी जी को हिटलर की उपाधि मिल चुकी है। इससे बड़ी बात क्या होगी, इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि मोदी जी ने अपना इतिहास जो है खुद बना लिया है। अभी आखिर हुआ कैसे, क्या जिस बाइडेन सरकार से मोदी जी उम्मीद लगाते हुए अमेरिका गए, उस बाइडेन सरकार ने पिछले कुछ सालों में मोदी जी के फरमानों पर रजामंदी जताई है, ये सवाल है। दोस्तों आपको बता दूं कि बाइडेन और कमला हैरिस मोदी जी के कई फरमानों के विरोध में रहे हैं। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, आपको हम अल जजीरा की ये खबर दिखा रहे हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड वीडियो प्लीज लाइक माय चैनल द पब्लिक न्यूज एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो जस्ट फिनिशिंग, बाय बाय, आई होप यू एंजॉय।